सेमी तोवरों के क्रिकेट में गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाले और अपने शानदार क्षेत्र रक्षण की वजह से भारतीय टीम को कई मैच जिताने वाले युवराज सिंह अब संन्यास ले चुके हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी स्पिन गेंदबाजी से भी कई बार विपक्षी बल्लेबाजों पर भारी पड़ते थे। इस खिलाड़ी को फटाफट क्रिकेट में काफी सम्मान के साथ देखा जाता है। 2007 T20 विश्व कप में क्रिस ब्रॉड की 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के और नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में खेली गई जिताऊ मैच पारी की तो खूब चर्चा होती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि इस खिलाड़ी की झोली में 4-4 बार विश्व कप का खिताब आ चुका है और चारों विश्व कप में युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज भी चुने जा चुके हैं। 2011 का एक दिवसीय विश्व कप, 2011 में भारत ने दूसरी बार ICC वनडे विश्व कप जीता था। इस टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में थी। इस विश्व कप में युवराज ने कमाल ही कर दिया था। उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से 362 रन बनाने के अलावा 15 विकेट भी लिए थे और टूर्नामेंट में 4 बार मैन ऑफ द मैच बने थे। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुने गए थे। 2007 T20 विश्व कप, युवराज उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने भारतीय सीनियर टीम के साथ 2 विश्व कप जीते हैं। 2007 में वो T20 विश्व विजयी भारतीय टीम के सदस्य थे। ये पहला T20 विश्व कप था और भारतीय टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में थी। इस मैच में उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 6 गेंद पर 6 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया था। इतना ही नहीं, इन्होंने महज 12 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया था, जो अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मील का पत्थर बना हुआ है। इस विश्व कप में भी युवराज सिंह को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था। इसके अलावा 2000 में श्रीलंका में हुए तीसरे अंडर 19 विश्व कप टीम के भी आम सदस्य युवराज सिंह थे। इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और श्रीलंका की टीम पहुंची थी और भारत ने मोहम्मद कैफ के नेतृत्व में श्रीलंका को हराकर पहली बार अंडर 19 विश्व मैच जीता था। इस टूर्नामेंट में भी युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज चुने गए थे। 2000 अंडर 15 विश्व कप, इतना ही नहीं, युवराज सिंह के खाते में एक और विश्व कप है। 1996 में लोम्बार्ड में खेले गए विश्व कप अंडर 15 में भारत की टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इस खिताब पर कब्जा जमाया था। इस टीम के कप्तान ऑलराउंडर रितिंदर सिंह सोढ़ी थे। इस टूर्नामेंट में भी युवराज सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया था और मैन ऑफ द सीरीज के खिताब पर कब्जा जमाया था। बता दें कि चंडीगढ़ में साल 1981 में जन्मे युवराज ने भारत के लिए 4 टेस्ट, 304 वनडे और 58 T20 मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 3 शतकों और 11 अर्धशतकों की मदद से कुल 1900 रन बनाए और 9 विकेट लिए, जबकि वनडे में उन्होंने 14 शतकों और 52 अर्धशतकों की मदद से 8701 रन बनाने के अलावा 111 विकेट भी लिए हैं। वहीं T20 मैचों में 1177 रन बनाने के साथ साथ 28 विकेट भी लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।